चलो ओए हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज आज जाना है वापस हमको दिल्ली, फिर दिल्ली से हल्द्वानी। हम 3 दिन रुके गोवा में, काफ़ी अच्छा लगा फैमिली के साथ में। फिलहाल उठता हूँ, नहाता हूँ, रेडी होता हूँ और निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। और आज अम्मा आबू की सेकेंड फ्लाइट है, तो अभी सुबह सुबह मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अब जा रहा हूँ मम्मी और अम्मा आबू को उठाने के लिए, वैसे उठ गए होंगे वो, फिर निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। चलो हम रेडी, जाने से पहले चाय मंगा लिए तो चाय पी रहे हैं, फिर निकलते हैं। और देखो उजाला भी हो चुका है। चलो भाई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सारा सामान निकाल लिया है, गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं अंदर। तो अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट लाउंज में मस्त, देखो पोहा इडली सांभर, और मम्मी फर्स्ट टाइम आई है लाउंज में। तो आज दादाजी देखेंगे मस्त व्यू बाहर का, विंडो सीट मिली है दादाजी को आज, जाते हुए अम्मा को मिली थी। अम्मा को अम्मा की नई फ्रेंड मिल चुकी हैं, ये देखो। बट अम्मा समझ नहीं पा रही थी क्या बोल रहे हो ना, हाँ इंग्लिश में बोल रही हो। तो ये खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर। The next day. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो भी सुबह सुबह मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, फेवरेट कड़ी चावल आलू। अम्मा और बाबू पढ़ रहे हैं अखबार, मम्मी और चाची जा रहे हैं मंदिर। अच्छा, अम्मा की आईज वीक है ना, तो अम्मा सिर्फ बड़े बड़े अक्षर पढ़ पाती है, जो बड़े बड़े जो हेडलाइन है ना, सिर्फ बड़े बड़े अक्षर वही पढ़ पाती है अम्मा, छोटे वाले नहीं पढ़ पाती अम्मा। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, फिलहाल मैं करूंगा ड्राइंग जो मैंने स्टार्ट की थी ना विराट कोहली सर की, तो अभी कुछ इतनी हुई है। देखो गाइज, आप लोग सोच रहे हो कि मैं विराट कोहली सर की ही ड्राइंग क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को मन से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इनसे जल्दी ही मिलने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि जल्दी से बना देते हैं, फिर जब भी मिलेंगे ना तो उनको अपने हाथों से मैं गिफ्ट दूंगा ये, और उनका रिएक्शन देखेंगे कैसा रहता है। तो हाँ, इसीलिए वैसे मैं अनुष्का मैम से मिला था लास्ट टाइम मैच में, हम देखा हुआ फोटो भी ली थी उनके साथ में, और इवन बहुत सारे क्रिकेटर से मैं मिला था, मैंने इनको 2 बार देखा हुआ खेलते हुए सामने से, बट मिल नहीं पाया। बट मेरे को अंदर से फील आ रहा है कि मैं जल्दी ही मिलूंगा, तो इसलिए मैं जल्दी से बना देते हैं रियलिस्टिक अच्छी सी उनकी ड्राइंग बड़ी सी, तो होपफुली उनको पसंद आएगी, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, ये भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही है। तो हाँ, इसीलिए बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोग वैसे जो भी है। गाइस ये देखो मेरे पास है मेकअप ब्रश, मैं भी यूज़ करता हूँ मेकअप ब्रश, बट ड्राइंग बनाने के लिए, पेंसिल को फैलाने के लिए, पेंसिल को स्मूथ करने के लिए। अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरे आर्ट वाले चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने हर चीज़ की वीडियो डाल रखी है वहाँ पे। बट हाँ, एक दिन में नहीं आएगा, महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगा। अभी इसको और रियलिस्टिक बनाऊंगा, बिल्कुल जैसे ये दिख रही है ना सेम ऐसी आंख बनाऊंगा बिल्कुल, अभी और काम करना पड़ेगा इसके ऊपर ना, फिर ऐसे ही इस आंख के ऊपर भी करना पड़ेगा, इन आईब्रोज के ऊपर करना पड़ेगा, ईयर के ऊपर करना पड़ेगा, लिप्स के ऊपर, नोज के ऊपर, बियर्ड के ऊपर, सब जगह। तो बहुत टाइम लगेगा, अभी 10 घंटे और लगेंगे इसमें, कम से कम 10 से भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लो स्लो करना पड़ता है। गाइज अब देखो आंखें सेम लग रही है ना, आईब्रोज बनाएंगे ना तो और मस्त लगेगी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, इसको मैं रात को बनाऊंगा, अब चलते हैं बाहर, व्लॉग करते हैं फैमिली के साथ में। मैं डेली आजकल ड्राइंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है करना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मैं करता हूँ। मैं डेली नहीं दिखाऊंगा, फिर बोरिंग हो जाएगा ना डेली। कमेंट करता ना डेली देखना है या नहीं देखना, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा। सुबह से मैं ड्राइंग कर रहा था, घर के अंदर था तो मुझे ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट डाल रखी थी, बट जैसे ही मैं ऊपर आया धूप में, यहाँ गर्मी लग रही है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा नीचे रहूँ ऊपर रहूँ। तो अब मैं आ गया फिर से नीचे, लेकिन यहाँ लग रही है ठंड, तो अब जैकेट डालनी पड़ेगी दोबारा। धूप में जाओ तो गर्मी, यहाँ रहो तो ठंड। भाई दादाजी का सही है, अंदर भी है लेकिन धूप में भी है, देखो धूप भी आ रही है। मम्मी जी भूख लग रही, कड़ी चावल पड़े हैं दे दो यार। तो अब लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच सेम है, देखो कड़ी चावल और आलू, भाई मेरे को इतना टेस्टी लगता है ना, मैं तो तीनों टाइम यही खा सकता हूँ। कनाली अब तो नई क्लास में जाने वाले हो है ना, नई क्लास में जाने वाले हो, में प्रॉब्लम होगी। ये देखो भाई स्कूल से आते ही तो चलाना सिखा दो ना, पिज़्ज़ा को आता है मेरे को नहीं आता, आपको भी आता, मेरे को भी अच्छे से नहीं आता, तो सिखा दो ना, जैसा सिखाने सिखा दो यार, सिखाओ ना। क्या करोगे सीख के, क्या करोगे, कुनाली बाहर गाड़ियाँ चलती हैं, ये सेफ नहीं है, कुछ नहीं होता यार, अब बस सिखा दो, कपड़े तो चेंज कर ले पहले, सिखा दो ना, खाना खा ले, कपड़े चेंज कर ले, फट के लिए मेरी हैं, फट के लिए, चलो चलो भाई, ओए कुनाली ये देखो
पहले पीयूष करके दिखा, देख देख ऐसे पैर रखना है यार। ये पीयूष कैसे कर लेता है? कुनाली मेरे पैर में मार दी तूने। कुनाली देखो आराम से पैर रखो, आराम से। अब तो आराम से पहले लेफ्ट पैर रखना है। यार ये कैसे चला रहा है यार? ये देखो ऊपर, ये कैसे कर रहा है? अम्मा ट्राई करोगे? मम्मी आप ट्राई करोगे? चाची करोगे? आपको ना अपने दिमाग में ठानना होता है, सुनो सुनो। जैसे आपको राइट करना है तो आपको सोचना है कि मेरे को राइट करना है, आपको सोचना है, वैसे खुद ही राइट हो जाएगा, समझ रहे हो? ये वायरलेस कनेक्टेड है आपकी दिमाग से। अरे यार क्या कर रहे हो ऐसे, ऐसे मत करो ना। क्यों? नहीं होता ऐसे, सही दीवार में लगेगा आपका सर ऐसे तो। कुछ मत पकड़ो ना, पकड़ के कुछ नहीं होगा यार। घास में हो जाएगा, घास में हो जाएगा। अरे नहीं घास में चलेगा ही नहीं, हो कुछ नहीं हो रहा। यार कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ नहीं कंट्रोल इसमें। ये देखो, ये तो प्रो हो गया, देखो पूरा घूम जा रहा है अच्छे से। जब से स्कूल से आए हैं इसके चक्कर में, देखो मैंने अपना खाना भी छोड़ दिया है और इन्होंने अपनी ड्रेस व्रेस चेंज नहीं कर रहे। ये तो स्कूल में मेरी टी शर्ट डाक ले गया था, स्कूल में शर्ट के नीचे मेरी टी शर्ट डाक ले गया था ये। और ये टी शर्ट मैंने डाली थी अपने पहले गाने में मौजा में। अरे नहीं चलो ना, ये तो हगन की अवस्था में बैठा है। तुम खराब मत कर देना, एक पहले खराब कर दिया तुमने। तो गाइस अब हम जा रहे हैं होवरबोर्ड सीखने के लिए पार्क में। पार्क में गिरेंगे भी तो कुछ होगा नहीं ना। तो पहुंच गए नए घर के बगल वाले पार्क में, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। हाँ सही है सही है सही है, चलो 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 चलो, गिरना मत। ओए सही सही, छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दूँ, छोड़ दूँ क्या? नहीं छोड़ दूँ, छोड़ हाथ छोड़ दूँ। अब मैं हाथ छोड़ रहा हूँ। कुनाली एक बैलेंस करो, खो जाएगा। हो गया बस, आपसे हो गया। सामने कोई गाड़ी वाड़ी आ रही होगी तो छोड़ दो हाथ। चलो फाइनली कुनाली तो सीख गया। कुनाली स्लो 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 स्लो, कहाँ जा रहे हो अकेले? स्लो कुनाली स्लो, अरे कोई गाड़ी आएगी आगे से। ज़्यादा स्टाइल मत मार, देखो जेब में हाथ डाल के स्टाइल मार रहे हैं। क्या कर रहे है? जेब में हाथ क्यों डाल रहे हैं? यार अगर हाथ खोलता हूँ ना वेट ज्यादा आ जाता है। शक्तिमान शक्तिमान। तो गाइस अब सर्दर ट्राई करें, करो करो। गाइस ये देखने में इजी लग रहा होगा बट है नहीं। व्लॉग बनाने के लिए बढ़िया है, देखो एक बार सीख जाऊँ अच्छे से फिर मजा आएगा व्लॉग बनाने में। जैसे ये चला रहे ना घूम घूम के, थोड़ा बहुत तो मैं भी सीख गया। देखो भाई ये देखो, ये तो उल्टा भी चलाने लग गया। किस चीज की आवाज आएगी? ठुकने की आवाज आएगी सीधा। भाई सीख गया, अच्छे से सीख गया। सास और बहू मस्त बैठे हैं, दोनों फोन में लगे हैं। देखो क्या जमाना आया है फोन का। सास भागवत सुन रही है। ओरी क्या हुआ? तो बड़ी मम्मी जा रही है मार्केट सब्जी लेने के लिए। ये फिर पागल हो गया, फिर पागल हो गया, फिर पागल हो गया। गाइस ये ओरियो दिन में 10 बार पागल होता होगा, ऐसे 10 बार कूदता होगा। जितने बार भी डॉग जाते हैं ना यहाँ से, डॉग या बिल्ली जो भी, ऐसे ही कूदता है, पागल हो जाता है भाई ये। और इधर से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला इधर से। तो अब मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने के लिए। मम्मी ने सब्जी ले ली है सारी। जय हो। बंद ही नहीं हुआ अच्छे से। आपकी साड़ी लड़ गई, साड़ी लड़ गई आपकी। मम्मी जब भी बैठती है ना गाड़ी में तो मम्मी की साड़ी अड़ जाती है, फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि साड़ी अड़ गई है, गेट बंद नहीं हुआ है। तो ये डेंजरस होता है काफी ज्यादा। उसके बाद फिर मुझे बोलना पड़ता है कि मम्मी सीट बेल्ट लगा लो। अब सीट बेल्ट नहीं लगाई मम्मी ने। यही बात है मेरे। लगाओ नहीं, कहीं भी जाना सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट जरूरी है मम्मी। चाहे थोड़ा जाना हो कुछ भी जाना हो भाई, थोड़े में भी कुछ भी हो सकता है ना। आप भी ध्यान रखना अगर आपकी मम्मी साड़ी डालती है तो, साड़ी गेट में फंस जाती है। तो अभी मैं अपने रूम में आया, यहाँ पे देखो भाई मेरी चेयर के ऊपर कपड़े, यहाँ भी कपड़े, सूटकेस, बैग, मतलब भाई बैठने लेटने कहीं पे जगह ही नहीं है, काम करने की जगह नहीं है भाई। अभी सारा सामान हटा के मुझे नीचे रखना पड़ेगा, ये भी, उसके बाद मैं काम कर पाऊंगा। एक बार नया घर कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टूडियो में अपना काम करूंगा, मस्त रूम में रहूंगा अपना, स्पेस स्पेस, पूरे वार्डरोब सारे कपड़े उसमें, सारे जूते उसमें, सब कुछ उसमें, मस्त खुला खुला स्पेस, खुला खुला घर। बस नया घर बनने में ना एक चीज की दिक्कत है, नया घर बनते ही मम्मी मेरे रिश्ते की बात करने लग जाएगी, मम्मी शादी की बात करने लगेगी। मैंने बोला नया घर बन रहे थे, फिर नया घर बनते ही शादी करवा दूंगी तेरी। ये थोड़ा डर लग रहा है मुझे बस। नया घर बनते क्या करोगे आप, है ना? क्या करोगे, क्या करोगे आप? मेरे को पता आपके माइंड में क्या है, नया घर बनते ही, पहले बता रहा हूँ, नया घर बनते ही नहीं।
ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये मत सोचना, मम्मी पहले बता रहा हूँ, नया घर बनते ही कुछ मत सोचना, ठीक है? ठीक है क्या? क्यों नहीं सोचना? मेरे को पता है आपके माइंड में क्या है, आप जो लोगों को बोलते रहते हो मुझे सब पता है, आप जो रिश्तेदारों को सबको बोलते हो ना, सब पता है मुझे। शादी आपकी, क्या बना रहे हो आज? मटर पनीर। अरे मटर पनीर, चलो लेट के टीवी देखता रहता बस। मम्मी जी भजन कर रहे हैं, मम्मी जी का व्रत है आज। और ये देखो भाई, ये बेहोश होया पड़ा भाई, इतनी खतरनाक नींद आ रही है इसको। तो अब करते हैं डिनर, पनीर की सब्जी, रोटी एंड चटनी। डिनर हो चुका है, अब फिलहाल अपनी ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं। गाइस अभी एक बहुत फनी सीन हुआ है, ये देखो कुनाले को देखो, ओवरबोर्ड चला रहा है घर के अंदर, और अभी देखना क्या होगा। ये देखो फुल मस्ती में चला रहा है ओवरबोर्ड, ये देखो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, अभी देखना क्या होगा। बड़े पापा खाना खा रहे हैं यहाँ पे, रेडी सभी देखने के लिए, रेडी? रिवर्स कर दोबारा दोबारा गाइस, दोबारा देखो गाइस, इनका मुंह देखो, चश्मा नहीं ला लेकिन ये ये क्या करा, कहाँ ले गए, कहाँ ले गए, फेंक दिया भाई साहब, इतना गुस्सा टूट जाता तो लगी, मेरे बताया था कितनी जोर से लगी, टूट जाता तो अगर अगर मेरी कमर टूट जाती तो कोई बात नहीं, दोबारा नहीं ले आते। जान 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 भी थोड़ा मारा उसने, जान मैं उसके ऊपर गिर जाता था, घर में नहीं चलाना चाहिए था, मैं उसके ऊपर गिर जाता, मान ले उसकी तो टूट जाती ना कमर। गाइस ये तो बहुत फनी सीन हो गया, मैं तो ड्राइंग कर रहा था मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन पापा जी का आज गुस्सा देख लिया भाई, खतरनाक गुस्सा भाई, ओवरबोर्ड तोड़ दिया था। घर में ऐसा मत बोलो, किसी को भी चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मजाक की बात है भाई। यहाँ कमर में कितनी लगी तुझे पता है? अभी आने चलेगा ओवरबोर्ड, यहाँ कहाँ ओवरबोर्ड है, कहाँ बाहर बड़े हैं, भारी बड़ा है, लेके आना उसको, रुको मैं चलाता लगे, चल रहा है क्या, सही चल रहा है, चलो भाई सही चल रहा है, वो बेचारा बैठा था खुद ही चल गया, कंट्रोल नहीं हुआ उससे, बड़े आपको गिरा दिया, बड़े आपको गिरा दिया। गाइज आज तो हंस हंस के पागल हो गए, इतना फनी सीन था, लेकिन सब सही है, किसी को लगी नहीं, सबसे बढ़िया बात तो ये है। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मत पटकना आप जी, अंदर अगर अंदर खेलेगा तो फिर